रिव्यू यूनानी मेडिसिन के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस जड़ी बूटी का नाम केवच बीज है। दोस्तों इसे हिंदी जबान में केवच बीज के नाम से जाना जाता है और उर्दू में भी इसे केवच बीज ही कहा जाता है। दोस्तों इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बात शुरू करने से कबल मैं आपको कुछ मशवरा देना चाहता हूँ। दोस्तों केवच बीज का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसके आज हम फवायद जानने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाए। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारी दूर होती है बॉडी की, और रही बात इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, बच्चे को छोड़ के आदमी और औरत कोई भी कर सकता है। इसकी उम्र के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ, 18 साल के बाद इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। दोस्तों ये इंसान के जिस्म में कुव्वत को पैदा करता है, ताकत को पैदा करता है और बहुत सारी इम्यूनिटी इंसान को देता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही ताकत मिलती है, जो भी हमारे जिस्म में कमजोरी होती है उसे दूर करता है केवच बीज। दोस्तों इसकी और बात बताते चले कि ये बहुत सी समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे नामर्दी वगैरह, उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों अगर किसी शख्स को नामर्दी का शिकायत है तो वो इसका इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि पहले बीज को भून ले, और बीज भूनने के बाद उसको पीस दें, और पीसने के बाद शक्कर में मिला के वो लगभग 60 दिन तक इस्तेमाल करें, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी दूर हो जाएगी। और दोस्तों ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल दूध वगैरह में करते हैं। पीसने के बाद इसे आपको दूध में मिला देना है, और दूध में मिला के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मर्दाना ताकत के लिए। दोस्तों जिन औरतों का और जिन आदमियों का हाथ पैर कांपता है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है ये। अगर वो जिनका हाथ कांपे तो वो भी इसे दूध में और शक्कर मिला के इस्तेमाल करें तो उनका हाथ पैर कांपना बंद हो जाता है। इसका इस्तेमाल लगभग 2 महीने तक करना है। दोस्तों फिर बहुत ही आप खुद हैरान हो जाओगे, देखोगे कि जिन हजरात का हाथ पैर हिलता है उनके अंदर कितना बदलाव आया है इसको यूज़ करने से। दोस्तों इसके बहुत से फ़वाद हैं, बात करते चले तो इसका इस्तेमाल जैसे कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन के अंदर तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्रोटीन बहुत सारे पाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और जो भी बहुत सारे मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है ये, रही बात तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही कारगर है। और विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ई दोस्तों कैंसर वगैरह की शिकायत में भी ये काफ़ी मुफीद है केवच बीज। और दोस्तों ये त्वचा के ऊपर जो भी हमारे इन्फेक्शन होता है उसमें भी काफ़ी मुफीद है। दोस्तों इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है जैसे मैं आपको समझाता चलूँ। इसका इस्तेमाल अर्थराइटिस, डायबिटीज़ और मर्दाना ताकत के लिए, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों और भी इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। दोस्तों इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम, फैलिक एसिड और विटामिन ई और सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर आप भी इन तमाम बीमारियों में मुब्तला है तो आप भी इसका इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप इसके साथ सफ़ेद मूसली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली और केवच बीज को मिला के आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और आप चाहे तो अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो आप शहद में भी मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और कारगर चीज़ है ये। इसको यूज़ करने के बहुत सारे फ़वाद हैं। आप चाहे तो इसको गूगल वगैरह पे भी और इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक तरीके का इम्यूनिटी बूस्टर है जो हमारे स्पैम वगैरह को इम्प्रूव करता है और बहुत सारी जो हमारे गुप्त रोग होते हैं उसको दूर करता है। ये बहुत ही कामयाब है। अगर किसी औरत के बच्चेदानी में गांठ है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। लगभग 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करना है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं और केमिकल वगैरह से दूर रहें। दोस्तों इसका इस्तेमाल करोगे आपकी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी और बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा आपको। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आने की सूरत में से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। दोस्तों अगर कोई बात समझ में ना आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है।